हाई एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यूल न्यू ईयर माई नेम इम बैक विदर मेकअप वीडियो एंड टू डी आम गोइंग टू शेयर दिस ब्यूटिफुल गॉर्जियस इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जिसको मैंने स्पेशली गर्ल्स के लिए किया है ये जो मेकअप लुक है बहुत ही ज्यादा ईजी है सिंपल है बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ आप इसको रिक्रिएट कर सकते हैं सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगी डरमा कोके फाइव परसेंट

है, बिल्कुल भी स्किन पे है ऑयली फील नहीं होता है लेकिन आपकी स्किन को अच्छे से ये हाइड्रेटेड रखेगा देन नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है है वो फाइव परसेंट नाइट डेली हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर फॉर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन इसका जो इनग्रीडियंट है वो है पेंटावाइटिन एंड वाइटमिन ई एंड स्क्वेलेंस ये जो मॉइस्चराइजर है ये इसका बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग फॉर्मूला है प्लस ये आपको 24 फोर आवर्स तक हाइड्रेशन देगा मैं यही मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन के बीच में है इसको मुझे यूज़ करते हुए एक महीने हो गए हैं बहुत ही बढ़िया मॉइस्चराइज़र है प्लस ये फ्रेगरेंस फ्री है डर्माको के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो फ्रेगरेंस फ्री होते हैं तो अगर आपकी स्किन फ्रेगरेंस से एलर्जिक है तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं देन नेक्स्ट जो मॉइस्चराइजर है वो है डर्माको को फाइव परसेंट नायासेरामाइट डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन इसका जो इन्ग्रीडियंट है वो है ओट एक्सट्रैक्ट लिपिड कॉम्प्लेक्स एंड यूरिया जितने भी इंग्रेडिएंट हैं ये ड्राई स्किन के लिए बेस्ट हैं और ये आपको डीप मॉइस्चराइजेशन देगा प्लस सेवेंटी टू आवर्स तक हाइड्रेशन देगा डरमा को के जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनमें किसी भी टाइप का कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है जैसे कि फ्रेग्रेंस डाई पैराबिन या सल्फेट तो बहुत ही सेफ होते हैं डरमाटोलोजिकली टेस्टेड होते हैं आप इनको एवरी बेसिस पर आराम से यूज़ कर सकते हैं और अब हम करेंगे इसका ब्लॉटिंग पेपर टेस्ट और आप देख सकते कि ये मॉइस्चराइजर आपको हाइड्रेशन तो देंगे ही देंगे बट बिल्कुल भी स्किन पे ऑयली या हैवी फील नहीं होंगे एक तरफ मैं लगा रही हूँ डर्मा को का मॉइस्चराइजर एंड दूसरी तरफ मैं एक बेसिक मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और आप ब्लॉटिंग पेपर पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं तो अगर आप इन मॉइस्चराइजर को ट्राई करना चाहते हैं इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ये आपको एमेजन फ्लिपकार्ड नाइका पर्पल एंड खुद डरमा को की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप डरमा को वेबसाइट से परचेज करते हैं तो स्क्रीन पर कुपोन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा डरमा को की वेबसाइट से जब भी कुछ परचेज करते हैं तो ये आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं उस बच्चे से जिसको ये एजुकेशन देने में हेल्प करते हैं विद अभी तक डर ने बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों को एजुकेशन देने में हेल्प की है और आगे भी करते रहेंगे तो यह बहुत ही बढ़िया बात है आप इधर देख सकते हैं आपको बिल्कुल भी ब्लॉटिंग पेपर पे ऑयल नज़र नहीं आएगा वहीं पर दूसरी जगह जब मैं दूसरी तरफ मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो आप देखना कि ब्लॉटिंग पेपर पर पे आपको ऑयल नजर आ जाएगा तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह जो मॉइस्चराइजर है यह आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करेंगे नरिश करेंगे मॉइस्चराइज रखेंगे लेकिन बिल्कुल भी स्किन पे हेवी या ऑयली फील नहीं होगा ओके okay, तो स्किन केयर मैंने कर लिया है इसके बाद सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूं प्राइमर और बहुत ही बढ़िया प्राइमर है मामा अर्थ का है अच्छे से ये पोर्स को ब्लर कर देता है कोई भी टेक्स्चर है तो उसको स्मूथ कर देता है एंड आपको एक अच्छा सा कैनवास प्रोवाइड करता है फॉर मेकअप इसके ऊपर मेकअप बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड नेचुरल दिखता है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे मामा अर्थ की ल्यूमी क्रीम क्योंकि मुझे हल्का सा ग्लो चाहिए था अपने बेस में से मैं इसको अप्लाई कर रही हूं ये जो मेकअप है लूंगी अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज कर सकते हैं जैसे मैंने यूज किया है अच्छे से ब्लेंड कर लेना है आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ब्लश का कलर टर्न आउट हुआ है देन मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और इससे सेट करने के बाद जो क्रीज लाइन हो है अंडर आई एरिया में वो भी नहीं पड़ती है ठीक है देन मैं हल्का सा ब्राउन्जर यूज करूँगी बहुत ही लाइट ब्राउन्जर यूज करूंगी आप देख सकते हैं एंड उसके बाद जो ब्रश में प्रोडक्ट बच जाता है उसी से मैं हल्का सा अपनी नोज पर इस तरह से कर लेती हूँ ताकि मेरी नोज भी कॉन्ट्रोल्ड हो और जो अगेन इससे बच जाता है मैं बिल्कुल भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा पिक नहीं करती उससे मैं यहाँ पे चेन एरिया पे अप्लाई कर लेती हूँ देन मैंने अपने पूरे बेस को अच्छे से सेट कर लिया विद मेकअप फिक्सर एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन या कोई भी एजेस ना दिखे क्योंकि हम मल्टीपल प्रोडक्ट ट्राई लगाते हैं फेस पर एंड उसके एजेस जो हैं वो दिखने लगते हैं ठीक है थीके? उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी एंड यहाँ पर मैंने यूज़ किया है आई ब्राउन एंड ब्लैक को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लेती हूँ देन अच्छे से मैं स्पूली की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि आईब्रो जो है वो नेचुरल दिखे उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे आ, आई शेडो लिक्विड उसको मैंने अप्लाई किया है हेल्प से से अच्छे ऐसे ब्लेंड कर लूंगी, आप देख सकते हैं एंड ब्लेंड करने के बाद मैंने ब्रश से थोड़ा सा ये वाला कलर पिक किया है इससे मेरा जो आई शेडो है वो सेट भी हो जाएगा और जो कलर मुझे चाहिए वो कलर मुझे मिल भी जाएगा मिक्स होने के बाद आप देख सकते हैं मेरी ड्रेस से कितना अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये जो आई शेडो है अच्छे से ब्लेंड करूंगी मैं ब्लेंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हूँ आप जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेकअप नेचुरल दिखेगा उतना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा उसके बाद दूसरी साइड में ही इस आई शेडो के लिक्विड गोल्ड सा आई शेडो था वो वो मैंने अप्लाई किया है अपनी लिड पे ठीक है फिंगर की हेल्प से इसे भी मैं ब्लेंड कर लूंगी और इसमें जो चमक है ना बहुत ही मतलब बड़े बड़े चंकी पार्टिकल्स नहीं है बट बहुत अच्छे से उसके बाद मैंने यहां पर थोड़ा सा आपको एक और अच्छे से यू नो मॉडर्न लुक मिल जाता है बट ये बहुत ज्यादा ओवर डन नहीं लगता है एंड देन मैंने यहां पे लिया है मस्कारा उससे मैं अपनी अपर लैशेस लोअर लैशेस दोनों को अच्छे से कोट कर लूंगी आप देख सकते हैं फॉलसीज मैंने नहीं यूज की है अगर आप

और उसके बाद मैंने अपने लिप्स को कॉन्चोर कर लिया है विद ब्राउन लिप लाइनर बिना लिप लाइनर के जब आप लिपस्टिक लगाते हैं तो उतना मजा नहीं आता बट लिप लाइनर के साथ लिपस्टिक का ना एक अलग ही लुक आता है उसके बाद जो लिपस्टिक मैंने ब्लश के लिए यूज़ की थी वही लिपस्टिक मैंने यहाँ पर यूज़ की है एंड बहुत ही सुंदर लुक टर्न आउट हुआ था तो दिस इज अ फाइनल लुक गाइज मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आपसे अपने गुड बाय टेक केयर अपना बहुत सारा ख्याल रखें